गाइस हम पहुंच चुके इस वक्त एफल टावर और जाएंगे इसके ऊपर। कोशिश करेंगे इसके ऊपर जाने की, अगर इसके ऊपर गए तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर इसके ऊपर ना गए तो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ये नीचे का माहौल, और ये माहौल आप लोगों ने देखना होगा, तो चलते हैं इसके अंदर। तो जी गाइस हम आ चुके हैं इसके अंदर, और ये है अंदर का माहौल। तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर जाने की, अगर ना अभी गए तो भी आपसे जो है मैं शेयर करूंगा ये सारी वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा, इंजॉय होगा। हम जा रहे हैं ऊपर। और यहाँ से लिफ्ट के जरिए मैं जाऊंगा ऊपर, और मैं आपको ये बता दूं मैं पहली दफा जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे खौफ आएगा, जारी सी बात है, मैं पहली दफा जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। हेलो, वापस आ जा। और ऊपर का जो है व्यू मैं अब आपको दिखाऊंगा, और मैं आया हूँ पहली दफा, जाहिर सी बात है मुझे डर तो लगेगा ना, खौफ तो आएगा जाहिर सी बात है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये सामने का व्यू, वापस आ जा। भी आ रहा है, कुछ नहीं होता कुछ। भाई यार मुझे खौफ आ रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं पहली दफा, इसलिए मैं डर रहा हूँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है। जो बंदा आता रहे उसको तो फिर पता होता ना, ये काफी बुलंदी पे हूँ इस वक्त, ये देखिए आप, ये नीचे बिल्कुल ही कम सा दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस वक्त जो है हम बिल्कुल ही ज्यादा बुलंदी पे है, आप देख सकते हैं कि मुझे बेशक मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफज़दा हूँ, क्योंकि मैं ये पहली दफ़ा आ रही हूँ इतनी बुलंदी पे। आप ये मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि जूम भी जो है वो नीचे ही जा रहा, इस वक्त मैं फुल बुलंदियों पे हूँ एफल टावर की। मैं बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाल कर जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और मैं नीचे नहीं देखूँगा, पीछे नहीं देखूँगा, क्योंकि मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे खौफ सा आता है। आपके हाथ में और बहुत ज्यादा डर लगता है। तो गाइस ये है एफल टावर लाहौर, जो मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ मेरे साथ इशफाक गिलानी। सिर्फ आज मेरा मकसद ये था कि मैं आपको जो है इसका व्यू दिखाऊं एफल टावर का। और इशफाक ये कितनी बुलंदी पे होगा? ये कम से कम मैं इसको नाप नहीं सकता, लेकिन ये हम यूफोन जो टावर है यूफोन का, नहीं 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 वो तो बहुत छोटा है। मैं बता रहा हूँ कि यूफोन के अगर तीन टावर लगाए ना, एक दफा यूफोन, दूसरा दफा, तीसरी दफा, तीसरे यूफोन टावर के लिए बराबर है। यानी कि ये बहुत ज्यादा ऊंचा है ये। और गाइस मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये मुन्ना भी ऊपर आया, आपको डर नहीं लग रहा बेटा? अभी देख के रहा, भाग जा, अरे भाग रे भाग। यार मुझे खौफ आ रहा है, इस बच्चे को नहीं आ रहा, ये आप ये देख ले, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जो कि मैं इस वक्त तो बहुत ज्यादा बुलंदी पे हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं अपने खौफ को उतार रहा हूँ अपने दिमाग से, ये देखें आप गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आपको जो है वो बैरिया दिखा रहा हूँ, और ये है बैरिया टाउन। यार ये मुझे नीचे दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, और ये है नीचे, और ये है एफल टावर। तो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त यहाँ से लाहौर धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा बुलंदी पे हूँ, इसलिए
अच्छा जी, तो जी गाइस ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये दूसरी साइड है जहाँ पे लोगों की आमद रफ्त होती है। ये देखें आप, ये है एफल टावर एंड वो सामने आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू भी दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वो सामने ग्रैंड मस्जिद है। और चलते हैं, आपको सारा व्यू करवाता हूँ मैं आज, सिर्फ ऊपर आने की यही आज मकसद है कि मैं आज आपको जो है बैरियर का मुकम्मल व्यू करवाऊँगा ऊपर से एफल टावर। एंड देख सकते हैं और ये दूसरी जानब जो है मैं आपको चारे साइड दिखा सकते हैं इस वक्त। और एफल टावर की बिल्कुल लास्ट वाली मंजिल पर हम मौजूद हैं और कभी आए यहाँ पे फुल इंजॉय होता है, फुल मज़ा आता है। लेकिन आप लोग भी कभी आए यहाँ पे और यहाँ का व्यू ले, यहाँ भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वहाँ, उन्होंने अपना व्यू लिया है। लेकिन आज मैंने सोचा यार मैं भी आज अपने व्यूवर से शेयर करूँ कैसा लगा आज का व्यू, तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताना। अभी नीचे जाएंगे, नीचे का कुछ भी कुछ मॉल भी आपसे शेयर करेंगे। ये है ARY का दफ्तर, ये वाला नीले शटर वाला, ये है ARY का दफ्तर है जहाँ पे प्रोग्राम शूट होते हैं लाहौर में। यार मुझे आ रहे हैं चक्कर, ये भाई कहता है ये नीचे देखें। कैसे देखूं? ये वो चक्कर आ रहे हैं जो इन्होंने दिए, नहीं जो इन्होंने दिए वही चक्कर वापस आ रहे हैं। गलत बात है, ये देखें भाई ये कितना नीचे है, ये मरने वाली बात ही है ना। खड़ी एक बंदा जब यहाँ से कभी आया गया ही नहीं है, देखें मैं कैसे जो है देख लूं। देखें यार बहुत ज्यादा हम बुलंदी पे हैं इस वक्त, लोग बिल्कुल ही ऐसे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। देखें आप भाई, हम इस वक्त बहुत ज्यादा बुलंदी पे खड़े हैं। तो जी गाइस ये है बिलावल हाउस, जितना मेरा जूम जा सकता है मैंने आपको दिखाया। ये जो आपको चार दीवारी से दिखाई दे रही है, ये है बिलावल हाउस और वो सामने ग्रैंड मस्जिद है। थोड़ी देर अगर आप छोड़ दोगे ना आपको I like to act better with you. Thank you so much. Thank you. The short, better journey. Kavi does. I like other countries. Yeah. Yes. Are there a lot of tourists or not so many here? Lost of them. Oh, okay. Yes. Ten times visit here. Yeah. But my home is here. Yeah. Yes. Please come here. हाँ जी जी जनाब ऊपर आए हैं, बहुत मज़ा आया। और मैं आपको मैंने दिखाया ये ऊपर काफ़ी बुलंदी पे है, ऊपर से भी मैंने आपको व्यू करवाया। और ये असलम साहब हैं हमारे गांव के और इनकी मार्फत से हम ऊपर गए हैं। ये देखिए कितनी बुलंदी पे है खड़ा है ये एफल टावर,
और इसका जो है व्यू मैं आपको मुकम्मल तरीके से वहाँ से खड़ो के भी दिखा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हम वो फर्स्ट सबसे लास्ट पे थे। तो गाइस कैसा लगा आज का मेरा विजिट? आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए मैं ऊपर गया हूँ। अदरवाइज मैं ऊपर जाने से बिल्कुल घबराता था, डरता था, क्योंकि मैंने इतनी बुलंदी पे मैं कभी नहीं गया। तो आज मैंने सोचा चलो व्लॉगर के लिए तो हर मुश्किल का सामना करता पड़ता व्लॉगर को, और मैंने आज व्लॉगिंग में आप लोगों को ये भी मैं दिखाऊंगा। एफिल टावर जिसके मैं बिल्कुल ही फर्स्ट यानी कि लास्ट जो है वो मैं एरिया में था इसके, वो देखें। लेकिन आज मैंने सोचा यार चलो आप लोगों से है ये भी मैं शेयर कर लूं। तो मेरे साथ जैसे थे सैयद मोहम्मद इशफाक गिलानी साहब, और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा यकीनन। तो ठीक है गाइस, दुआ में याद रखना, नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्यारा से कमेंट करना होगा, और आपके लिए लेके आएंगे पाकिस्तान के किसी भी एरिया से नेक्स्ट खूबसूरत लोकेशन। अपने भाई अमजद गिलानी को दे इजाज़त। आल पाकिस्तान के विज़िट करने वाला आपका भाई सैयद मोहम्मद अमजद गिलानी। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। तो ठीक है जनाब गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।